जय माता दी। दोस्तों, शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्रि 9 दिन तक शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार नवरात्रि का पावन पर्व पूरे 9 दिनों तक मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन नवरात्रों का समापन होगा। नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा जीवन में सुख समृद्धि व शांति लाती है। इस बार चैत्र नवरात्रों में माता रानी का आगमन घोड़े पर हो रहा है। इस बार चंद्रमा मेष राशि में रहेगा, इसीलिए इस बार के नवरात्रि और भी ज्यादा शुभ है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेहद ही जबरदस्त उपाय बताएंगे, जिसे करने से आपके हर प्रकार के कार्य बन जाएंगे और आपकी धन कमाने की जितनी भी अभिलाषाएं जो अभी तक अटकी हुई थी वे सब पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी एक बार अवश्य लिख दें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको पूरी विधि की जानकारी हो सके। तो आइए जानते हैं कि क्या करना है आपको इस उपाय के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो कोई अपने जीवन में धनवान बनना चाहता है। कठोर परिश्रम करने के बाद भी जिनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में यह वीडियो मदद करेगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, उन उपायों के बारे में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कोई एक नहीं बल्कि अनेकों उपाय बताएंगे। जितने हो सकेंगे उतने से उतने आपको उपाय बताएंगे, ताकि आप उनमें से जो भी उपाय आपको समझ में आता है, आपको उचित लगता है, आसान लगता है, आपको लगता है कि मैं ये उपाय कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, तो उस उपाय को आप कीजिए और अपने जीवन में सुख और ऐश्वर्य को भर लीजिए। कहते हैं कि जिस किसी को भी अपने जीवन में धन की कामना हो, उसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मी और नारायण दोनों को ही प्रसन्न करना उतना ही जरूरी है जितना कि माता लक्ष्मी एकमात्र को प्रसन्न करना। क्योंकि धन की देवी तो माता लक्ष्मी है, लेकिन वे अपने पति यानी कि नारायण अर्थात भगवान विष्णु के बगैर कहीं भी नहीं जाती है। जहाँ कहीं भी उनके पति देव यानी भगवान विष्णु का सम्मान होता है और आवाहन किया जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी स्वयं ही चली आती है। आज के इस वीडियो में हम आपको अंत में कुछ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र भी बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं और बना सकते हैं एक सुखमय जीवन। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार को धन और समृद्धि के लिए खास तौर पर माना जाता है, लेकिन बृहस्पतिवार का संबंध सीधे तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से होता है, इसीलिए बृहस्पतिवार को ही उपाय किए जाते हैं। लेकिन ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप जो भी उपाय करते हैं उन्हें आप किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप किसी खास तौर पर उपाय करना चाहते हैं तो आप समय का विशेष ध्यान रखें, लेकिन आप किसी भी वार को ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किए गए उपाय आपको बृहस्पतिवार को यानी कि वीरवार को करने चाहिए, तो आप अपने श्रद्धा अनुसार वीरवार के दिन इन उपायों को करके अपने लिए प्रगति के मार्ग खोल सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति को वीरवार के दिन पूजा जाता है, इसीलिए वीरवार को किए जाने वाले उपाय बहुत ही जल्दी असर दिखाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गुरुवार को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपकी कामना धन वृद्धि और अपने परिवार की समृद्धि है तो आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से मनुष्य का जीवन सुखों से भर जाता है। माता लक्ष्मी और नारायण दोनों ही एक साथ पूजे जाने चाहिए, ताकि आपके जीवन में
खुशियां आ सकें और पति पत्नी के बीच की जो दूरियां हैं वे भी मिट जाएं, साथ ही साथ धन में भी वृद्धि हो। दोस्तों, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है या फिर कोई भी आपके समस्या चल रही है जीवन में, तो आप माता लक्ष्मी और नारायण के लिए उपायों को अवश्य करें, इससे आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। धार्मिक ग्रंथों में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की आराधना के कई तरीके बताए गए हैं, जिन्हें करने से आप अपनी कुंडली का बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं को समान कर सकते हैं और सारे बिगड़े कामों को बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो केसर, पीला चंदन या फिर हल्दी का दान अवश्य करें, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से एक और जहां पर गुरु ग्रह मजबूत होता है, वहीं माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको आरोग्य और सुख और धन धान्य की वृद्धि का आशीर्वाद देती है। साथ ही आपके घर में हमेशा ही सुख शांति का वास बना रहता है। अगर आप इन चीजों का दान नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, इन्हें तिलक के रूप में अपने माथे पर नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भी आपको समान लाभ मिलता है। अगर आप माता लक्ष्मी और नारायण के लिए कुछ खास उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। आपको इस पूजा के समय यानी कि अपने नित्य प्रतिदिन जो आप सुबह उठ करके अपने घर में पूजा करते हैं, उस समय कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें अगर आप प्रतिदिन बोलेंगे, तो आपके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। उन मंत्रों को हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन एक बात आपको अभी बता देते हैं कि आप अगर हो सके तो अपने घर में जो पूजा करते हैं, उसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके ही किया करें। ऐसा करने से आपकी पूजा सीधे तौर पर भगवान के पास जाती है। आपको कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ मंत्रों का ध्यान रखना है और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने से आपकी सभी चिंताएं और सभी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। स्नान करते समय आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। मंत्र एक बार फिर सुन लें। दोस्तों, चाहे तो आप वीडियो को रोक करके कहीं लिख भी सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, तब तक करते रहें जब तक कि आपका स्नान चलता रहे। इस मंत्र के जाप से गुरु के यानी कि गुरु ग्रह के सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और इसी के साथ ही गुरु ग्रह की कृपा से आपके जीवन में आ रही सभी आर्थिक समस्याएं भी टल जाती हैं। इसी के साथ अगर आप नहाने के पानी में एक चुटकी भर हल्दी डालकर के स्नान करेंगे, तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें और आपको इस बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। अगर आप हल्दी डाल रहे हैं, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेंगे, और अगर आप हल्दी नहीं डाल रहे हैं, तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको परिणाम जल्दी चाहिए, तो आप वीरवार के व्रत भी कर सकते हैं और केले के पौधे पर जल अर्पित करके पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा करने से आपके जितने भी मनोकामना है वे पूर्ण हो जाएगी और आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई संकट या रुकावट है तो वह भी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई कुंवारा लड़की या लड़की है, लड़का है, तो उसके विवाह में अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसका भी समाधान हो जाएगा और विवाह बनने के योग बनेंगे। हो सके तो आप स्नान आदि करने के बाद पीले रंग के वस्त्रों का धारण किया करें। स्नान के बाद आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और दीपक में एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल दें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों के साथ तुलसी का एक छोटा सा पत्ता अवश्य अर्पित करें। अपने माथे पर हल्दी, चंदन या फिर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। धार्मिक शास्त्रों की माने तो भगवान बृहस्पति को पीले रंग की चीजें बहुत ही पसंद है, इसलिए ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, फल आदि दान अवश्य करें जो कि पीले रंग की हो। सुबह के समय चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ को घर के मुख्य द्वार पर रख दें और हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना कहें, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, व्यवसाय में सफलता की हो या फिर वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो। अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका छोड़कर चला गया है तो उसके लिए भी है।
आप अपनी मनोकामना बोले, दाल और थोड़ा सा गुड़ घर के मुख्य दरवाजे पर रख करके अपने प्रेमी या प्रेमिका के वापस लौटने या फिर पत्नी या पति के वापस लौटने की कामना करें, या फिर अगर आपको उनका प्यार नहीं मिल रहा है तो आप इस बात की भी कामना कर सकते हैं। देखते ही देखते आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। घर में धन की बरकत के लिए आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आवाहन करें और पीले रंग की चीजों का दान भी अवश्य करें। इस प्रकार से हमने आपको बताया है, उसी प्रकार से आप दान भी अवश्य करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप खास तौर पर वीरवार के दिन या फिर जब भी आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप किसी को भी उधार ना दें और ना ही आप किसी से उधार लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो जाती है और आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन 5 मंत्रों की जिनके बारे में हमने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में बताएंगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। दूसरा मंत्र है, ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। तीसरा मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। चौथा मंत्र है, ओम एम श्रीम बृहस्पतये नमः। पांचवा मंत्र है, ओम गुम गुरुवे नमः। इसमें जो चौथा मंत्र है वो एक ऐसा मंत्र है जिसे आप माता लक्ष्मी और नारायण दोनों की ही आप प्राप्ति कर सकते हैं। मंत्र चौथा मंत्र आप एक बार फिर से सुन लें, ओम एम श्रीम बृहस्पतये नमः। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जय बजरंगबली।